नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। मृतक के परिजनों को मिलेगा सरकारी नियमानुसार सभी लाभ, घायलों का होगा समुचित इलाज। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पहुंचे सदर अस्पताल, मृतक के परिजनों को बढ़ाया ढांढस। गढ़वा, विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे। NH 75 गढ़वा मुड़ी सिमर मार्ग पर श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के समीप गत रात्रि हुई सड़क दुर्घटना में घायलों का मंत्री ने हालचाल लिया, साथ ही मृतकों के परिजनों को सांत्वना दिया। ज्ञात हो कि इस सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जाते हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल गढ़वा में किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने CS व DS को सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मृतक के परिजनों को झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली सड़क दुर्घटना में 2 लाख रुपए का मुआवजा, पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने DC को मृतकों की परिजनों को अंबेडकर आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि सभी घायलों को बेहतर इलाज किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो उन्हें रांची भेजकर बेहतर इलाज कराया जाएगा। परिजनों को घर वापस जाने के लिए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने निजी वाहन उपलब्ध कराए तथा CS को 100 वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, ताहिर अंसारी, शंभु चंद्रवंशी, रंथा नायक, मयंक द्विवेदी, आयुष सिंह, अहमद अंसारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली न्यूज झारखंड गढ़वा।